हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फोनेटिक्स इन कंप्लीट डेंचर। स्पीच कंप्लीट डेंचर में क्या मायने रखता है। स्पीकर, टीचर, सिंगर और भी बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ इन्हीं लोगों को स्पीच से नहीं इफेक्ट होता है। लता मंगेशकर भी कंप्लीट डेंचर पहनती थी, तो एक एक साउंड का करेक्ट प्रोड्यूस होना, उसके अलावा नॉर्मल लोगों के लिए भी स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग एक सोशल एनिमल है और उसके लिए इंटरेक्शन तो होनी है, सोशलाइज तो करते ही है। तो वो बोलते कुछ है, सुनना कुछ और, निकलना कुछ और नहीं चाहिए। कंप्लीट डेंचर में फोनेटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है और क्लासिफिकेशन कौन कौन से साउंड है और इम्पोर्टेंस क्या है उन साउंड का, कैसे टीथ की पोजिशनिंग से साउंड इफेक्ट करती है। साउंड प्रोड्यूस होती है एक्सपिरेशन से, सांस छोड़ने से, लेने से नहीं। जब आप बोलने की, आप खुद देखिए, जब आप बोलते हैं तो सांस लेते नहीं, आप छोड़ते हैं। लेते हुए तो सिर्फ लेते ही हैं। तो जैसे ही लंग्स के पास सांस आई, लंग्स क्या कर रहा है, एयर फ्लो को कंट्रोल कर रहा है। अब लैरिंग्स से वोकल कोड तक साउंड प्रोड्यूस होती है, अब वाइब्रेशन से वोकल कोड से साउंड का प्रोडक्शन होता है। जितनी एयर बाहर एक्सहेल हो रही है उतना आपका स्पीच है। यानी अगर मेरी बहुत हाई पिच वॉइस है तो इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ एयर फ्लो, जैसा एयर निकल रहा है बाहर उसकी एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग पिच की वेरिएशन होती है और इंटेंसिटी ऑफ द वॉइस उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट होती है। वोकल कोड के वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है। लेंथ, डायमीटर या फिर वोकल ट्रैक्ट की इलास्टिसिटी से भी अलग अलग साउंड निकलती है। जैसे ही एयर पास हो रही है हमारे मुंह से, अब मुंह तक पहुंच गई वोकल कोड से, उसके बाद भी टंग, लिप्स और मैंडिबुलर ऑसिलेशन उसको मॉडिफाई करती हैं, तो इसमें भी अलग टाइप की साउंड प्रोडक्शन है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि कौन सी वोकल कोड से निकल रही है, कौन सी मुंह से निकल रही है। तो टंग, जो कि हमारी रानी है स्पीच की प्रोडक्शन को, जिसको जुबान कहते हैं, इसीलिए इसको जुबान कहते हैं, आर्टिकुलेट करती है हमारे दांतों के साथ या फिर रिज के साथ, एल्वियोलस, हार्ट पैलेट से, और कुछ साउंड प्रोड्यूस होती है। स्पीच फोनेटिक्स हम टेस्ट करते हैं ट्राई एंड प्रोसीजर के टाइम पे। जब आपने टीथ सेटिंग कर दिया, उसके बाद आप टीथ सेटिंग आपकी सही है या नहीं है, टीथ कैसे अरेंज है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग साउंड निकलती है। लेकिन साउंड उतनी एक्यूरेट नहीं होती है जितनी ट्रायन के टाइम पे, जितनी प्रोसेस डेंचर में होती है। तो हम लोग क्लासिफिकेशन की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास है वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स। वोवल वो साउंड होती हैं जो वाइब्रेशन और वोकल कोड से निकलती हैं। सबको पता है वोवल कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। और कॉन्सोनेंट्स हैं जो अदर देन वोवल्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू छोड़ के ए टू जेड, मतलब बी टू जेड सारे। अब कॉन्सोनेंट्स बिना वोकल कोड के वाइब्रेशन की साउंड प्रोडक्शन है या वॉइस्ड है। इसको ब्रेथ साउंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये सांस एयर स्ट्रीम कैसे निकल रही है, उसका डायवर्जेंट इंटरप्शन कैसा, उसके अकॉर्डिंग साउंड अलग अलग निकल रही है। कॉन्सोनेंट्स की एक क्लासिफिकेशन है, करेक्टर कैसा वो प्रोड्यूस कर रहा है, करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड उसके बेसिस पे। तो सबसे पहले प्लोजिव कॉन्सोनेंट। प्लोजिव का मतलब है एक्सप्लोजिव। एयर कैसे बाहर निकल रही है, कितना प्रेशर है सॉफ्ट पैलेट और फेरेंजियल वॉल में, उसकी उसके प्रेशर की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो प्लोजिव साउंड है। प्लोजिव के अंदर आता है पी और टी। देखिए, पी बोलेंगे, टी बोलेंगे, तो जो सॉफ्ट पैलेट और फेरेंजियल वॉल है इसके अंदर प्रेशर बिल्ट हो गया और उससे साउंड प्रोड्यूस हो रही है। उसके बाद है फ्रिकेटिव्स। फ्रिकेटिव्स शार्प विस्लिंग साउंड, जब एयर स्क्वीज होके बाहर निकल रही है। फ्रिकेटिव्स को सिबिलेंट्स भी बोलते हैं। इसमें आती है एस। एस साउंड प्रोनाउंस करेंगे तो देखिए, एस साउंड आपको इस चैप्टर में खुद बोलना पड़ेगा, तभी आप साउंड्स को समझ पाएंगे, तभी फील कर पाएंगे। तो एस, एस बोलिए, एस बोलते हैं तो एक थोड़ा सा हाथ अड़ाइए मुंह के आगे, मुंह के आगे हाथ अड़ाएंगे, एस बोलेंगे तो देखेंगे कि एक थोड़ा साउंड बाहर भी निकल रही है और पतला सा गैप है। एस साउंड के बारे में और डिटेल में हम पढ़ेंगे। उसके बाद एफ्रिकेटिव्स। एफ्रिकेटिव्स कॉम्बिनेशन है प्लोजिव्स प्लस फ्रिकेटिव्स का। नेक्स्ट आती है नेजल कॉन्सोनेंट्स। नेजल कॉन्सोनेंट में मुंह से कोई हवा बाहर नहीं निकल रही है, हाथ अड़ाइए मुंह के आगे और एम बोलिए। एम बोलेंगे तो कोई भी साउंड, एन बोलिए, हवा बाहर मुंह से नहीं निकल रही है नेजल कॉन्सोनेंट्स में।
उसके बाद लिक्विड कॉन्सोनेंट्स. लिक्विड कॉन्सोनेंट्स इसीलिए इनको लिक्विड बोलते हैं क्योंकि इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, विदाउट फ्रिक्शन के साउंड प्रोड्यूस हो रही है. नेक्स्ट है ग्लाइड्स. ग्लाइड्स हैं आर्टिकुलेशन की शेप जब ग्रेजुअली चेंज होती है तो साउंड प्रोड्यूस होती है. तो इसके साथ एक तो है क्लासिफिकेशन ये. नेक्स्ट हम लोग डिफरेंट आर्टिकुलेटर की मेन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जिसके अंदर आपका आएगा सबसे पहली साउंड है बाइलेबियल साउंड. अब कैसे आर्टिकुलेटर है, कौन कौन सी शेप, कौन कौन सी सब्सटेंस की वजह से एयर प्रोड्यूस हो रही है, जैसे अभी मैं आपको समझाती हूं. बाइलेबियल साउंड, बाई का मतलब दो, लेबियल का मतलब लिप्स. तो बाइलेबियल साउंड दोनों लिप्स के कॉन्टैक्ट से हो रही है. बाइलेबियल साउंड के अंदर है बी. अब आपको प्रोनाउंस करना पड़ेगा, बी प्रोनाउंस करेंगे तो दोनों के दोनों लिप्स कॉन्टैक्ट करते हैं. पी प्रोनाउंस करेंगे दोनों के लिप, जैसे ही लिप्स बी पी बोलेंगे एयर प्रेशर जस्ट लिप्स के पीछे बिल्डअप हो रहा है और जैसे ही बी बोलते हैं वो एयर का ब्लास्ट निकलता है, उसके साथ साउंड आती है. तो बी और पी बाइलेबियल साउंड लिप्स से बिल्ट हो रही है, इसीलिए बाइलेबियल दोनों लिप्स के कॉन्टैक्ट के पीछे प्रेशर बिल्ट हो रहा है, उसके रिलीज पे वॉइस निकल रही है. अगर इनसफिशियंट सपोर्ट है लिप्स का दांतों से, यानी दांत अच्छे से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं लिप्स को, तो ये साउंड में दिक्कत आएगी. तो एंटीरियर पोस्टीरियर पोजिशनिंग एंटीरियर दांत की या थिकनेस लेबियल फ्लैंज एरिया का इफेक्ट करेगी इस साउंड को. वैसे ही इनकरेक्ट वर्टिकल डायमेंशन भी हिंडर करेगा लिप क्लोजर को. सेकेंड साउंड है लेबियोडेंटल साउंड. लेबियोडेंटल का मतलब क्या है, हर एक नाम में ही है, इसको रटने की आपको जरूरत नहीं है. अगर आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे साथ के साथ तो आपको कभी लर्न नहीं करना पड़ेगा, अपने आप अंडरस्टूड हो जाएगा. लेबियोडेंटल साउंड के अंदर है लिप्स. लेबियो का मतलब क्या है, लिप. लोअर लिप का इसमें डेंटल के साथ यानी अपर इंसाइजर के साथ, तो लोअर लिप में भी जो, अगर लोअर लिप है ये अपर लिप है, ये लोअर लिप है, उसका जो अंदर ये जो सेंटर लाइन है लेबियोलिंगुअल सेंटर और पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ द लोअर लिप के कॉन्टैक्ट होता है जब अपर इनसाइजर सेंट्रल्स के साथ, तो इसके अंदर जो साउंड होती है वो है एफ एंड वी साउंड. अब आपको बोलना पड़ेगा एफ. देखिए एफ साउंड जब आप बोल रहे हैं तो सेंट्रल्स आगे जा रहे हैं और लिप्स पीछे जा रहे हैं. एफ एफ बोलेंगे तो सेंट्रल जो है आगे जा रहे हैं, लिप्स पीछे जा रहे हैं. अब वी बोलिए, वी में क्या होगा, सेंट्रल टच करते हैं लोअर लिप के लेबियोलिंगुअल सेंटर पे. तो अगर अपर एंटीरियर दांत आपने बड़े कर दिए तो एफ साउंड में लिप्स को पीछे जाना था, लेकिन टीथ लंबे हैं तो सिर्फ लिप्स को टच करते ही रह जाएंगे, तो एफ साउंड वी की तरह प्रोनाउंस होगा. दोबारा समझाती हूं मैं आपको. एफ साउंड में एफ बोलेंगे तो आपके लिप्स पीछे जा रहे हैं, लेकिन अगर आपने दांत लंबे कर दिए तो सिर्फ पीछे नहीं जा पाएंगे क्योंकि दांत तो लंबे हैं, वो सिर्फ लिप्स को टच ही करते रह जाएंगे, तो उसमें एफ साउंड की जगह वी साउंड आएगा. तो ऐसे ही अगर आपने एंटीरियर दांत छोटे रख दिए हैं या फिर बहुत ऊपर लगा दिए हैं तो जहां पे वी साउंड के टाइम पे उनको टच कराना था वहां पे वो पीछे चले जाएंगे क्योंकि दांत तो छोटे हैं. तो जहां पे कॉन्टैक्ट पे बंद होना था लिप्स को, जहां पे सिर्फ सेंट्रल्स के कॉन्टैक्ट कराना था लोअर लिप को, अब वो दांत छोटे हैं तो वो लिप्स पीछे चले जाएंगे, तो जो हमारी वी साउंड है वो एफ की तरह प्रोनाउंस होगी. तो ऐसे ये सिर्फ प्रोनाउंस नहीं कराना है, ऑब्जर्व करना है पेशेंट में, लोअर लिप देखना है, पेशेंट की साइड में जाना है, लोअर लिप देखना है और अपर एंटीरियर दांत देखना है. अगर अपर एंटीरियर टीथ टच करते हैं लेबियल साइड लोअर लिप के, अपर टीथ आगे लगाए हैं या फिर लोअर टीथ आपने पीछे, लोअर एंटीरियर टीथ पीछे लगा दिए, अगर लोअर लिप लटक रहा है बोलते हुए तो एंटीरियर टीथ आपने पीछे लगा दिए, लोअर लिप डेंचर को उठा रहा है तो बोलते हुए, तो इसका मतलब लोअर एंटीरियर दांत आपने आगे प्लेस कर दिए और अपर एंटीरियर बहुत पीछे लगाए हैं, तो एफ और वी साउंड में लोअर लिप जो कि आपके जंक्शन पे लेबियोलिंगुअल सेंटर पे टच करना चाहिए था, अब वो लिंगुअल साइड अंदर टच करेगा. तो पेशेंट को एक साइड से ऑब्जर्व करना भी जरूरी है, सिर्फ साउंड नहीं बुलवानी है, ये देखना है कि दांत लिप्स पे कहां टच करा रहे हैं. थर्ड साउंड की बात अगर करते हैं तो वो है लिंगो डेंटल साउंड. लिंगो का मतलब है जीभ, डेंटल का मतलब है दांत. तो लिंगो डेंटल साउंड में टिप ऑफ
ऑफ द टंग टच करेगी अपर और लोअर दांत के बीच में, अपर और लोअर दांतों के बीच में या तो टच कर रही है, एक्चुअली इसमें क्लोज टू द रिज भी करती है, मतलब अपर और लोअर एंटीरियर दांत पे भी टच कर सकती है या फिर क्लोज टू द रिज के टच करने पे टिप ऑफ द टंग के साउंड प्रोड्यूस होती है। इसमें जैसे कि दिस बोलेंगे, दिस बोल के देखिए, दैट बोलिए, तो टिप ऑफ द टंग जो है बिल्कुल एंटीरियर मोस्ट पोर्शन ऑफ द रिज पे टच कर रही है या फिर अपर और लोअर एंटीरियर के बीच में टच करने की वजह से साउंड प्रोडक्शन हो रही है, या दादा उसमें भी वही है। तो ये क्या बताता है कि लेबियोलिंगुअल पोजीशनिंग एंटीरियर दांत की, अगर 3 mm ऑफ द टंग विजिबल नहीं हो रही है, क्लास 1 मालोक्लूजन में अगर टीथ सेटिंग की उसकी बात कर रहे हैं, क्लास 2 क्लास 3 की नहीं है, तो अगर 3 mm टिप ऑफ द टंग विजिबल नहीं हो रही है तो इसका मतलब आपने एंटीरियर दांत आगे लगा दिए हैं, और अगर 6 mm से भी ज्यादा टंग दिखाई दे रही है इसका मतलब एंटीरियर दांत बहुत पीछे लगा दिए। तो चौथी साउंड आती है लिंगवो एल्वियोलर साउंड। लिंगवो का मतलब है टंग, एल्वियोलस का मतलब है पैलेट, तो टिप ऑफ द टंग एंटीरियर पार्ट ऑफ द पैलेट पे या तो या फिर लिंगुअल साइड ऑफ द एंटीरियर टीथ पे टच कर रही है। तो अपर और लोअर इनसाइजर इसमें अप्रोच करते हैं, टच नहीं करते। इसमें देखिए, टिप ऑफ द टंग एल्वियोलस एंटीरियर पार्ट ऑफ द पैलेट पे टच करके साउंड प्रोड्यूस कर रही है, तो इसके अंदर कौन कौन सी साउंड है, टी। टी बोलेंगे तो जीभ जो है टिप ऑफ द टंग वो अपर पैलेट के एंटीरियर पार्ट पे टच कर रही है। डी बोलेंगे तो भी साउंड प्रोड्यूस हो रही है पैलेट पे टच करने की टंग के। एस बोलेंगे तो एस साउंड के बारे में हम बात करेंगे, ये इसमें क्या है, अप्रोच कर रहा है अपर और लोअर दांत लेकिन टच नहीं हो रहा है। इसमें है टी डी एस। देखिए अपर अगर आपके ये दांत है, अब आप इसमें पेशेंट के साइड जाके ऑब्जर्व कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल ओवरलैप देखना अपने एंटीरियर दांत का, जब एस साउंड बोलते हैं तो ये करेक्ट है, इसमें अपर और लोअर दांत ये इनकरेक्ट है, अगर एस साउंड में ऐसे दांत जा रहे हैं ये भी इनकरेक्ट है, और अगर इतना सारा गैप है तो ये भी इनकरेक्ट है। तो जब एस साउंड प्रोड्यूस होती है तो हॉरिजॉन्टल ओवरलैप एंटीरियर और एंटीरियर दांत का अपर और लोअर का अप्रोच करना चाहिए, टच नहीं होना चाहिए। एस साउंड मोस्ट इंटरेस्टिंग लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक साउंड है, ये डेंटल और एल्वियोलर साउंड का दोनों का कॉम्बिनेशन है। कुछ लोग तो सिर्फ दांत से टच कराते हैं अपर और लोअर इंसाइजर के अप्रोक्सीमेशन पे, और कुछ लोग इसमें टिप ऑफ द टंग रगे पे टच करता है और एक बहुत कम स्पेस बचता है। एस बोलेंगे तो एस्केप, एयर की एस्केपमेंट पे ये स्पेस प्रोड्यूस होती है लेकिन बहुत कम स्पेस होती है, ना तो दांत टच कराते हैं ना बहुत ज्यादा स्पेस है। अगर ये ओपनिंग कुछ स्मॉल स्पेस है एयर के एस्केपमेंट पे, अगर ये ओपनिंग या फिर ये स्पेस बहुत स्मॉल है, देखिए एस तो इसमें विसल जैसा साउंड आएगा, लेकिन अगर यही स्पेस बहुत ज्यादा बड़ी ब्रॉड और थिन हो जाती है तो ऐसा आएगा एफ एफ, तो पेशेंट ऐसा बोलेगा, दैट विल साउंड मोर लाइक श, वो एस नहीं बोल के वो एफ एश, तो श साउंड आएगी, तो उसमें इट विल बी समवट लाइक अ लिस्प साउंड। इंटर इंसाइजल सेपरेशन, दोनों दांत का सेपरेशन 1 to 1.5 millimeter रहता है, और इसी को ही हम बोलते हैं एस साउंड को, क्लोजेस्ट स्पीकिंग स्पेस। नेक्स्ट है लिंगवो पैलेटल। लिंगवो यानी टंग का पैलेट, टंग पैलेट से टच कर रही है तो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, एंड लिंगवो वेलर साउंड। पैलेटल जैसे ईयर बोलेंगे तो पैलेट या अनियन बोलेंगे, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा रोल नहीं है, डेंचर पे इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। लिंगवो वेलर में के जी सॉफ्ट पैलेट यूविला से, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है डेंचर पे खासतौर पर। तो स्पीच की अडेप्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंट अच्छे से बोल पाए। नया डेंचर अगर कोई पेशेंट पहन रहा है तो इंसर्शन के 2 to 4 weeks लग जाएंगे पेशेंट को स्पीच अडेप्ट करवाने में। पेशेंट को इंस्ट्रक्शंस देनी है, स्पेशल की पाठ पढ़ना है आपने बोल बोल के, तो प्रैक्टिस करनी है स्पीच के लिए नए डेंचर के साथ, और एकदम से स्पीच पेशेंट को कंसोल करना है कि एकदम से स्पीच नहीं आएगी आपकी, धीरे धीरे थोड़ा वक्त लगता है नए डेंचर के साथ स्पीच प्रोडक्ट करवाने में। अब देखिए टी साउंड अगर आप बोलते हैं, टी साउंड बोलेंगे तो एल्वियोलस पे जस्ट बैक ऑफ द हार्ड पैलेट के जस्ट बैक ऑफ द टीथ पे टच करती है टंग आपकी, टी बोलिए। और अगर डी बोलेंगे तो क्या होगा, डी डी बोलते हैं तो वो थोड़ा सा आगे जाता है, और सर डी डी डी
बहुत तेज नहीं, थोड़ा सा धीरे से डी बोल के देखिए, तो थोड़ा सर्वाइकल एरिया पैलेटल एस्पेक्ट के अपर एंड सेंट्रल इंसाइजर के पास आ जाता है। तो अगर आपने दांत बहुत लिंगुअली प्लेस कर दिए हैं तो जो पैलेट पे टच करना चाहिए था अब वो दांत पे टच कर रहा है, तो यानी टी साउंड करेगा डी की तरह। ऐसे ही अगर आपने बहुत एंटीरियरली लगा दिए हैं तो डी साउंड करेगा टी की तरह। तो वही सेम इफेक्ट होता है अगर आपने पैलेटल एरिया डेंचर का बहुत थिक कर दिया। तो साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपने कैसा पोजीशनिंग किया है दांत का, ये ट्राइन पे आप चेक करते हैं। तो सिर्फ सुनना सुनना काफी नहीं है, पेशेंट की मूवमेंट्स को एनालाइज करना है, कहां पे टच कर रहा है, उसके लिए आप अगर आप साथ साथ पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि आपको खुद पता है कि ये साउंड कहां टच कर रही है, आपको ये रटने की जरूरत नहीं है फिर। तो इसके साथ हमारा खत्म होता है फोनेटिक्स इन कंप्लीट डेंचर, जो ट्राइन में करते हैं चेक। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और वीडियो देखना चाहते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो रिलीज करती हूँ आप तक पहुंच जाए। और देखते रहिए डेंटल पाठशाला।